नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वायरल टॉपी में। दोस्तों, एमपी बोर्ड 12th क्लास के सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा मैं अपडेट लेके आया हूं। दोस्तों, यहां पे अब आपका टाइम टेबल चेंज हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपके पहले जो पेपर होने थे दोस्तों 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक होने थे, लेकिन एमपी बोर्ड ने अब इसका नया टाइम टेबल जारी कर दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको नया टाइम टेबल बताने वाला हूं और आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दोस्तों आपके सभी दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट खुली है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया टाइम टेबल जारी हो जाएगा। दोस्तों, जो टाइम टेबल है इसके लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ में जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आपको डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं नया टाइम टेबल है। हालांकि इसमें जो तारीख लिखी है 20 तारीख लिखी है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ ये संशोधित है। आप थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 12th एंड वोकेशनल संशोधित। इसमें आप देखेंगे पहला पेपर जो आपका यहाँ पे 9 तारीख को जो कि केमिस्ट्री और ज्योग्राफी हो गया। जैसे कि पहले आपको जो टाइम टेबल था वो अलग था, और अगर हम लोग बात करेंगे आखिरी तो आखिरी आपको दिख रहा होगा 16 तारीख को एग्जाम है, पहले आपके 15 तारीख तक होने थे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपका पहला पेपर होगा 9 तारीख को केमिस्ट्री और ज्योग्राफी का होगा। यहाँ पे आप टाइम देख लीजिए, पहला आपका 9 से 12, दूसरा आपका 2 से 5 होगा, फिर आपका 10 तारीख को बुक कीपिंग का है, और 10 तारीख को ही आपका जो दूसरा पेपर होगा वोकेशनल कोर्स का होगा। इसी के साथ जो अब 11 तारीख को जो आपका पेपर हो रहा है दोस्तों, वो बायोलॉजी का हो रहा है। आपकी जो शिफ्ट रहेगी 9 से 12 में आपका बायोलॉजी का पेपर होगा, फिर आपका 12 तारीख को यहाँ पर बिजनेस स्टडी, और जो दोपहर वाली शिफ्ट रहेगी उसमें आपका एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पॉलिट्री फार्मिंग एंड फिशरी का होगा। इसके बाद आपका 13 तारीख को सुबह जो होगा आपका पॉलिटिकल साइंस का होगा, फिर दोपहर की बात करेंगे तो आपका एनाटॉमी, साइकोलॉजी एंड हेल्थ, उसके बाद आपका स्टिल लाइफ एंड डिज़ाइन एंड देन वोकेशनल। ये आपके सभी जो पेपर होंगे 13 तारीख को होंगे। फिर आपका 14 तारीख को कोई एग्ज़ाम नहीं है, और 15 तारीख को आपका मैथमेटिक्स का है। इसके बाद आपको जो दोपहर वाली शिफ्ट रहेगी उसमें आपका एलिमेंट ऑफ साइंस, देन आपका हिस्ट्री, और जो वोकेशनल का आपका थर्ड वाला होगा वो पेपर होगा। इसी के साथ अगर बात करेंगे 16 तारीख को, क्योंकि पहले आपके दोस्तों जो पेपर हो रहे थे 15 तारीख तक हो रहे थे, लेकिन दोस्तों अब जो आपका आखिरी पेपर होगा वो 16 तारीख को होगा। 16 तारीख को जो आपका पेपर होगा सुबह आपका इकोनॉमिक्स का होगा, वहीं अगर आपकी दोपहर में बात करेंगे तो आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर का होगा। तो दोस्तों, आपका नया टाइम टेबल, इसके लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। साथ में अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे VT डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पर भी मैं आपका इसका PDF डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, फिलहाल ये नया टाइम टेबल है जो कि एमपी बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 12th क्लास के जो भी स्टूडेंट दूसरे ज़िले में पहुंच गए हैं, वे चाहें तो यहाँ पे अपना ऑनलाइन एग्जाम सेंटर बदल सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी पूरी डिटेल मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, उसके लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको अपना एग्जाम सेंटर बदलना है तो आप किस तरीके से एग्जाम सेंटर बदल सकते हैं, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। साथ में अगर आपका पुराना एडमिट कार्ड घूम गया और अगर आपको नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो वो भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया, तो आप उस वीडियो को पूरा डिटेल में देख लीजिएगा। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा ताकि आपको सभी प्रकार के अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।